गुना में भाजपा युवा मोर्चा के मंच से प्रभात झा ने ये कहा कि बीजेपी से प्रत्याशी कोई भी हो, ये मानकर चले कि यहाँ से नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन जब पत्रकारों ने उनसे ये सवाल पूछ दिया कि अगर यहाँ से बीजेपी की हार हो जाए तो क्या ये माना जाए कि नरेंद्र मोदी की हार हुई है, इस सवाल पर प्रभात झा गोलमोल जवाब देते नजर आए। हालांकि बाद में उन्होंने ये कहा कि युवाओं में जोश भरने के लिए ही उन्होंने ये बयान दिया था। कौन चुनाव लड़ेगा और कौन नहीं, इसका फैसला पार्टी को करना है। नरेंद्र मोदी शिवपुरी संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे, यानी देश के 542 लोकसभा में वही लड़ने वाले। क्या शांत हो गए? लेकिन अगर आपके मन में, युवाओं के मन में यह